नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ प्रश्नों को लेंगे जो कि भैरवी साधना से संबंधित हैं, वहीं कुछ प्रश्न गुरु मंत्र साधना से और सिद्धियों से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल के माध्यम से जान पा रहे हैं, यहाँ पर मैं अब प्रश्नों को पढ़ना शुरू करता हूँ और प्रत्येक प्रश्न के साथ उसके उत्तर भी। भैरवी साधना धन में सहायक होगी या धन के लिए कुछ शक्ति प्रदान कर सकती है अन्य लक्ष्मी या धन साधना से अधिक? तो इसका उत्तर निश्चित रूप से यह सत्य है, जब भैरवी सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति को स्वयं भैरव बना देती है। और भैरव का एक स्वरूप आप जानते हैं, स्वर्ण आकर्षण भैरव भी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब शिव के साथ उसकी शक्ति जैसा स्वरूप धारण करती है, वैसा ही स्वरूप साधक की सोच के हिसाब से भैरवी भी धारण कर लेती है। वह लक्ष्मी भैरवी स्वरूप धारण करेगी अगर शक्ति और साधक दोनों एक हो जाते हैं। यानी साधक अगर उसका इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो वह वैसा ही शक्ति स्वरूप धारण करेगी, और अगर वह धन के रूप में उसे पुकारता है तो वह लक्ष्मी भैरवी स्वरूप धारण करेगी और धन समस्त प्रकार की शक्तियों सहित उसे प्रदान करने का उपाय बताने के साथ उसके जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही करवाती है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भैरवी साधना क्या घर में अकेले शाम को 7 बजे शुरू की जा सकती है? तो जी हाँ, रात्रि में जैसे भी सूर्य का प्रकाश ढलता है आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, और जहां पर भी कोई साधना कीजिए वह स्थान गुप्त गोपनीय होना चाहिए, जहां किसी की नजर ना पड़े। केवल इसी बात का आपको ख्याल रखना है। अगले प्रश्न में अप्सरा साधना की तरह भैरवी देवी से वचन ले सकते हैं अगर संभव हो तो? जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी साधना हो, केवल इष्ट साधना और परमेश्वर या परमेश्वरी की साधना को छोड़कर आप सभी शक्तियों से जिन्हें आप सिद्ध करते हैं, सिद्धि का तात्पर्य ही यही होता है कि आपने उस शक्ति को अपने समकक्ष लाकर वश में कर लिया है, इसीलिए वह सिद्ध होती है। यह पूजन नहीं होता है। सिद्धि और पूजन में बहुत अंतर है। हम पूजन में अपने देवता के प्रति जीवन समर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में वह कल्याण करें, लेकिन सिद्धि में हम आदेशात्मक भाषा में उस शक्ति से बात कर सकते हैं और उसे किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर तक कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी साधना हो, या अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या फिर भैरवी, आप उनसे वचन ले लीजिए, और अवश्य ही वचन लेनी चाहिए ताकि वह आपके नियंत्रण में शक्ति रहे। अगला प्रश्न है, क्या चेरी अप्सरा साक्षात होती है या सपने में ही आती है, या वे हमारे साथ जो कुछ भी करती हैं वह हमें वास्तविक महसूस करवाती हैं? बिल्कुल, अपने स्वयं के साक्षात अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि न सिर्फ वह पहले सपने में आती हैं, उसके बाद साक्षात आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और फिर आपको छूने, आपके साथ प्रेम व्यवहार करने, आपके सिर को, बालों को सहलाना, चुंबन लेना या फिर शारीरिक संबंध बनाने तक का आपको पूरा महसूस होता है। और कुछ कुछ अवस्थाओं में तो साक्षात आप उन्हें देखते हुए एक इंसान की तरह उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, जैसा कि एक जिंदा इंसान होता है। गुरुजी, क्या दिन में हम 4 से 5 बार कुछ अंतराल पर गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो इसका भी उत्तर निश्चित रूप से यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी भी आपको समय मिलता है, गुरु मंत्र के लिए कोई पाबंदी नहीं है। गुरु मंत्र तो आपकी, मैं पहले 1000 बार कह चुका हूं कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आपको रोज मंत्र जाप करना ही है, करते ही रहना है, और यह सोचे बिना कि इससे आपको क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा,
आपको सिर्फ भक्ति की अविरल धारा में लगातार बहते जाना है। आप जितना बहेंगे उतना अधिक तैरना सीखेंगे और जितना तैरेंगे उतना ही आप मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। जीवन तो एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में आप गुरु मंत्र का सहारा लेकर इस यात्रा को ना सिर्फ अच्छी तरह से कर सकते हैं बल्कि इस यात्रा को करने के बाद मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुजी, जो साधक कहीं जॉब करते हैं या फिर पब्लिक में मिलते जुलते हैं, वो लोग अपनी ऊर्जा को कैसे बचाए रख सकते हैं? निश्चित रूप से यह प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है और सभी लोगों के जीवन में यह आता है। तो ये गुरु मंत्र के लिए तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि गुरु मंत्र आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए यह प्रश्न बड़ा ही कठिन हो जाता है क्योंकि ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा वाले या वह इंसान जो आपसे मिलने के लिए आया है कुछ ऊर्जा आपकी प्राप्त अवश्य ही कर लेता है। इसीलिए साधु संत, जो उच्च कोटि के साधु संत हैं, वो अपने पैर तक छूने नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि वह अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी किसी अन्य में जाने से बचाए रखना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में आपको आशीर्वाद देते रहना चाहिए लेकिन किसी को भी अपने शरीर को छूने नहीं देना चाहिए। आपका एक विशिष्ट आसन होना चाहिए और उस आसन पे बैठ के ही आप अपने सारे कार्य करें, सभी लोगों की बातें सुने। इससे आपकी ऊर्जा काफी हद तक बचती है और उसके बाद फिर आप लोगों से गले मिलना, किसी को छूना इत्यादि चीजों से दूर रहें, तभी आपका कल्याण अधिक रहेगा और ऊर्जा बची रहेगी, विशेष रूप से जिन तांत्रिक सिद्धियों को आपने प्राप्त किया है। यह केवल उन्हीं के लिए ही लागू होता है। रही बात गुरु मंत्र की, तो गुरु मंत्र से ऊर्जा तो व्यक्ति को मिलेगी, लेकिन आप क्योंकि रोज मंत्र का जाप कर रहे हैं इसलिए आपकी ऊर्जा फिर आप पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में आ जाता है कि पति ने अगर गुरु मंत्र लिया है तो पत्नी को भी गुरु मंत्र अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि केवल एकमात्र पत्नी ही ऐसी होती है या पति ही ऐसा होता है जो आपका शरीर प्राप्त करता है। इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अपनी ऊर्जाएं देते हैं, इसी वजह से दोनों की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि शारीरिक संबंध जब बनता है तो उससे आपकी सारी ऊर्जा कहीं और निकल जाती है। इसीलिए शक्तियां हमेशा ये पसंद करती हैं कि इस व्यक्ति से मैं शारीरिक संबंध बनाऊं, या कोई गंधर्व या देवता या कोई भी शक्ति चाहती है कि इस स्त्री, इस तपस्विनी स्त्री से मैं शारीरिक संबंध बनाऊं, क्योंकि वह उसकी ऊर्जा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन जब पति पत्नी होते हैं तो एक दूसरे को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अगर दोनों एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो उसने उसकी ऊर्जा उसको दे दी, उसने उसकी ऊर्जा उठा के उसको दे दी, इस कारण से दोनों की ऊर्जा बैलेंस बनी रहती है। इसलिए शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी गुरु मंत्र के पति पत्नी जो साधक होते हैं उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है कि गुरुजी, यदि कोई साधना 21 दिन की है और यदि शक्ति 21 दिन से पहले ही 18वें दिन, 20वें दिन आ जाती है और वचन दे देती है, तो क्या वह साधना पूर्ण होगी या फिर वह साधना खंडित करने के लिए एक छलावा मात्र है? तो देखिए, कोई भी शक्ति कभी भी आ सकती है, लेकिन उस शक्ति के साथ कुछ उसकी ऊर्जा ऐसी होती है जिसके बारे में आपको आपके गुरु बता सकते हैं, उन्होंने जिन्होंने साधना की होती है, या फिर वो एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ। जब भी आप अपना अनुभव केवल अपने गुरु को ही बता सकते हैं तो वह आपको एक विशेष तरह की राय देते हैं और बताते हैं कि अगर आप यह साधना कर रहे हैं तो इस शक्ति की यह पहचान है। शक्तियां स्वयं पहले तो खुद नहीं आती, वो आती ही तभी हैं जब उनको लगता है कि अब सिद्धि देने का समय हो चुका है। उससे पहले केवल छलावे ही आते हैं और वो शक्तियां आती हैं जो आपकी ऊर्जा और इतने दिनों की जो तपस्या है उसको ग्रहण करना चाहती हैं। इसमें भी
पुरुष के लिए तो सबसे ज्यादा सरल तरीका होता है किसी भी स्त्री शक्ति को कि वह उसके साथ जाकर शारीरिक संबंध बनाए। और आप देखते ही होंगे कि प्रत्येक साधक ये बोलता है, मेरा वीर्यपात हो गया, मेरी साधना भंग हो गई, मेरा स्वप्न दोष हो गया। इसीलिए ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य वस्तु मानी जाती है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं कि गुरुजी, अगर अप्सरा योगिनी यक्षिणी की साधना में गले में पहने हुए बालाजी के नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र से बचने के लिए जो लाकेट या गंडा जो उन्होंने पहन रखा है उसको पहनना चाहिए या नहीं, तो देखिए, किसी भी साधना के लिए आपको पहले से बना हुआ कोई यंत्र ताबीज वगैरह धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह साधना के लिए रुकावट बन जाए। यह केवल आपको गुरु ही आपको बता सकता है कि जो आप साधना करने जा रहे हैं उसके लिए रक्षा कवच के रूप में आप क्या इस्तेमाल करें, आपको क्या पहनना चाहिए। क्योंकि मान लिया हनुमान जी की कोई रक्षा कवच किसी ने लगाया और वह अप्सरा साधना कर रहा है तो फिर वह अप्सरा कभी आएगी ही नहीं, यानी वो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि एक ब्रह्मचारी के पास प्रेम या सौंदर्य लेकर के नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक गुरु से पूछ के ही आगे का कार्य करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि गुरुजी, गुरु मंत्र साधना के समय क्या हम लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने इस संबंध में पहले ही बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है कि साधना से पहले संकल्प लिया जाता है कि आप सात्विक साधना कर रहे हैं, राजसिक साधना कर रहे हैं या फिर आप तामसिक साधना करने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर शक्ति के तीनों स्वरूप की बात के कारण आप गुरु मंत्र को तीनों ही स्वरूपों में ग्रहण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए यह द्वार संसार के हर जीव के लिए खुला है, जैसी भी उसकी प्रवृत्ति हो, कोई यह नहीं कि वो सात्विक ही होना चाहिए। लेकिन सात्विक होने से फायदा यह है कि आप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जब आप राजसिक होते हैं तो स्वर्ग प्राप्त करते हैं, और आप जब तामसिक होते हैं तो सिद्धियों के बाद आप फिर से मनुष्य का जन्म लेते हैं, अच्छे कुल में पैदा होते हैं, अमीर व्यक्ति के घर में पैदा होते हैं, लेकिन फिर से आपको नया जीवन जीना पड़ता है। तो आप पे निर्भर है कि आपने साधना तो की लेकिन आप किस ओर जाना चाहते हैं। अब अगर आप लहसुन या प्याज का प्रयोग करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्याज या लहसुन तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्म वस्तुएं होती हैं, इसकी वजह से शरीर के अंदर काम भाव बढ़ जाता है। अब जब काम भाव बढ़ेगा तो इसका नुकसान ये होगा कि कोई सिद्धि आप करने जा रहे हैं और आपका वीर्यपात होना आसानी से हो गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज केवल तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग करने से उस दौरान बचें, या कोई भी गर्म वस्तु खाने से उस दौरान, क्योंकि उस दौरान वह वस्तु आपके लिए आपकी साधना में विफलता का कारण बन सकती है। लेकिन गुरु मंत्र के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा होने पर भी आपकी साधना भंग नहीं होती, आपका वीर्यपात हो जाता है या आप स्वप्न दोष हो जाता है तो भी गुरु मंत्र की साधना भंग नहीं होती है। लेकिन स्वयं इस तरह से करना नहीं चाहिए, वरना जैसे कोई व्यक्ति खुद ही इस तरह की गलत हरकतें कर रहा है या पराय स्त्री से संबंध बना रहा है तो फिर देवी शक्तियां नाराज होती हैं और फिर सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उल्टा आपको दंड भुगतना पड़ता है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।